नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं न्यूज 19। तो चलिए आज के मुख्य समाचार की ओर चलते हैं। आज दिनांक 29/8/2024 को पीपी के कॉलेज बुंडू में 52वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि रांची विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा उपस्थित रहे। श्री सिन्हा ने पांच कन्या किसान कॉलेज पर 3 योजनाओं का शिलान्यास किया। आप देख सकते हैं इस तस्वीर के माध्यम से किस तरह शिलान्यास कर रहे हैं। 3 योजनाओं में से एक है पीपीके कॉलेज बुंडू के मुख्य द्वार पर एक गेट एवं मोटरसाइकिल तथा साइकिल के लिए स्टैंड, साथ ही इसमें कैंटीन की भी शिलान्यास किया गया। अब देख सकते हैं किस तरह से कुलपति जी नारियल फोड़ कर शिलान्यास किया। उसके बाद दीपक दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। उसके बाद शिक्षकगण, इस महाविद्यालय के शिक्षकगण, नॉन टीचिंग एम्प्लॉय, हमारे गेस्ट और फ्यूचर ऑफ नेशन हमारे स्टूडेंट्स, पीपीके कॉलेज बुंडू के 52वां स्थापना दिवस के अवसर पर रांची विश्वविद्यालय की ओर से, रांची विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आप सबों का ढेर सारा शुभकामनाएं और स्वागत करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे पूर्व शिक्षकगण ने अपने खून पसीने से इस कॉलेज को सींचा और इस कॉलेज को यहाँ तक पहुँचाया। आज ये कॉलेज फलता फूलता एक बट वृक्ष की तरह 52 वर्ष पूरा कर चुका है और आने वाले समय में बगल में माँ देवरी का आशीर्वाद है, बहुत आगे जाएगा। विभिन्न योजनाएं भी इसके लिए स्वीकृत की गई हैं। जैसा कि मैं लास्ट टाइम यहाँ पे आया था तो बहुत सारे बच्चे हमसे मिले थे कुछ पीजी की पढ़ाई के लिए, और बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे जो बहुत दूर से आते हैं। तो आप लोगों को एक बात बताऊँ कि यहाँ से 10 से 12-15 किलोमीटर आगे, तमाम से थोड़ा सा आगे, हम लोग एक नया कॉलेज खोलने जा रहे हैं और उस कॉलेज की स्वीकृति मिल चुकी है, ताकि जो हमारे दूर दराज से बच्चे आते हैं वो वहीं तक रुक पाए। और जो हायर एजुकेशन की बात थी उसमें भी हम लोग आगे बढ़े हुए हैं। हमें लगता है कि आज की कैबिनेट है,
उसमें हमें कुछ स्वीकृति मिल जाएगी, उसके बाद आने वाले समय में हम लोग पोस्ट ग्रेजुएट की कुछ पढ़ाई के लिए बच्चों का रिक्वेस्ट था वो हम लोग कर लेंगे। हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल और भी चीज़ों का जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए प्रपोजल हम लोगों ने HRD में भेज रखा है इस कॉलेज का, और आने वाले समय में उसका भी आप लोगों को अप्रूवल मिल जाएगा और अप्रूवल के बाद यहाँ बनेगा। प्राचार्य महोदय बहुत अच्छे से कॉलेज को चला रहे हैं और एक टीम के साथ चल रहे हैं। अभी आने वाले समय में जैसा कि मालूम हुआ कि आप लोग गेट का अभी हम लोगों ने शिलान्यास किया, साइकिल सेट का है, कैंटीन का है, तो इस तरह थोड़ा 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 कहावत है ना, जर्नी ऑफ 1000 किलोमीटर से स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट स्टेज, तो हम लोग धीरे 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 करके आगे बढ़ रहे हैं। इस ग्रामीण इलाके का, इस कॉलेज का बहुत महत्व है, बहुत महत्व है, और हमें लगता है कि चांदिल से पहले और चौका के आसपास के एक बहुत बड़ा कॉलेज का निर्माण होने जा रहा है आपके एरिया में, ताकि उस साइड के बच्चों का थोड़ा सा लोड उधर जाए, और यहाँ चूँकि आज के समय में करीब 10,000-12,000 बच्चों का लोड है, उसको देखते हुए एक और कॉलेज खुल जाएगा, और एक महिलाओं का मॉडल कॉलेज का भी प्रपोजल दिए हुए हैं, वो दो चीज़ें यहाँ पर खुल जाती हैं, तो आप लोगों को बहुत आसानी होगा, यहाँ के लोकल निवासी, यहाँ के लोकल बच्चों को बहुत आराम होगा। हर तरह का कार्य चल रहा है, आने वाले समय में नैक भी है, नैक के लिए भी प्रपोजल भेजे हुए हैं, और आने वाले समय में एक अच्छा अमाउंट गुंडू कॉलेज को नैक के लिए हम देने जा रहे हैं। स्वीकृति शायद हो गई है, बीच में कुछ फाइल मंत्री जी के यहाँ था और हमारे मंत्री जी का थोड़ा सा गड़बड़ाया हुआ कंडीशन था इधर, इसमें फाइल वहाँ रह गई थी, शायद फाइल अप्रूव हो गया है लेकिन फाइल आ नहीं पाई है, आ जाता है तो आप लोगों के लिए नैक के लिए भी एक अच्छा फंड दिया जाएगा, सो दैट एकदम कॉलेज को चकाचक कर लिया जाए और हम एक अच्छा नैक का ग्रेडिंग दे सकें। जहाँ तक नैक का सवाल है, मैं सबसे नहीं बोलूँगा कि आप लोगों को जहाँ भी ज़रूरत है, हम लोग जो अपनी नैक की तैयारी कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि सितंबर में हमारा भी नैक का टीम आएगा, सारे एक्सपर्ट टीम हमारे पास हैं, आपको जब जहाँ ज़रूरत हो पूरी टीम आके आपके यहाँ काम करने को तैयार है, सो दैट ये कॉलेज विश्वविद्यालय से अलग नहीं है, कॉलेज और विश्वविद्यालय एक ही है, हम लोग सब एक ही ग्रुप के आदमी हैं, इसलिए पूरा टीम आकर आपको यहाँ हेल्प करने को तैयार है। बॉटनी के लिए 145 मिला, जियोलॉजी का एक माइक्रोस्कोप 95 लाख का, और पूरा एक्सेसरीज मिलाकर 1,35,00,000 का। इस तरह से जो जो डिपार्टमेंट फिजिक्स मैथ जो डिपार्टमेंट मांगा उसका ऑफर थी, अपना डिपार्टमेंट बनाकर लिस्ट दिया, हाँ लिस्ट दीजिए, लिस्ट देने से फायदा यह होगा आपको कि हम उसी लिस्ट का अमाउंट लें और आपको भेज दें और आप उसके बाद ये बार को फॉलो करते हुए परचेज कर लें, एकदम इंस्ट्रूमेंट लें, बहुत अच्छी बात है और बच्चों को सिखाएं भी। तो इन्हीं शब्दों के साथ बेटा पुनः 52वें स्थापना दिवस पर मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत आशीर्वाद देता हूँ, माता की कृपा से ये कॉलेज खूब फूले फले और आप लोग जो यहाँ बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं वो बड़े से बड़े अधिकारी बने। बच्चों के बीच में एक चीज जरूरी है बात करना कि बच्चों का आज विजन कहाँ है, कॉलेज जो भी बता रहा है क्या आप लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। देखो बच्चों, आज से 23 साल के बाद जब 2047 में हमारा स्वतंत्रता का 100 वर्ष पूरा होगा, उस समय हम सारे लोग रिटायर रहेंगे, जो भी यहाँ बैठे हुए हैं वो रिटायर रहेंगे, उस समय पूरी की पूरी देश की जिम्मेवारी तुम्हारी होगी, तुम ही कल के DC हो, तुम ही कल के VC हो, तुम ही कल के टीचर हो, तुम ही कल के जज कलेक्टर हो, तो क्या तुम अपने आप को तैयार कर रहे हो उसके लिए, एक बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट चुनौती है तुम्हारे लिए, इसलिए मैं शिक्षकों से कहूँगा उन्हें उस दिन के लिए तैयार करें, और स्टूडेंट से कहेंगे अपने आप को डेवलप करें, सो दैट आने वाले समय में आज से 23 साल के बाद जो बच्चे हमारे सामने बैठे हुए हैं ये 40 के 40-45 के होंगे, और
जहां जिस पोस्ट पे होंगे वहां पीक पर होंगे, जहां जिस पोस्ट पर होंगे वहां इंजीनियर होंगे तो चीफ इंजीनियर होंगे, जज होंगे तो हाईकोर्ट जज हो, डिस्ट्रिक्ट जज हो, इस लेवल पे होंगे, प्रोफेसर होंगे, तो क्या इन्हें उसके लिए आप तैयार कर पा रहे हैं? ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और बच्चों को बुक दीजिए और रीडिंग हैबिट देते हैं। अगर बच्चों को देश का इतिहास, देश की संस्कृति, देश का कल्चर, देश का इकॉनमी नहीं पता होगा तो देश जब इनके हाथ में देश होगा कब देश का भूगोल बदल जाएगा पता नहीं चलेगा। इसलिए उनको सिखाना है, सुहाना है, बताना है और बार 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 तब तक बताएं जब तक बच्चों के अंदर एक रीजन डेवलप होना शुरू नहीं है। मैं सोचा हूँ कि इस मामले में हर कॉलेज में स्टूडेंट्स के साथ आके पूरा टीम आकर डिस्कस करें, बच्चों को बताएं कि कैसे सोचना है, क्या करना है, ठीक है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। पूरा धन्यवाद, ढेर सारी शुभकामनाएं।